हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें आप अधिक खाते हैं तो आपके घुटनों की जो ग्रीस कम हो गई है या जो घुटनों के बीच जो लिक्विड होता है वो कैसे आप बढ़ा सकते हैं, वो भी एक महीने में। उस बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। आप सभी जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ घुटनों की ग्रीस कम होने लगती है, लेकिन आजकल कम उम्र की महिलाओं को या लड़कियों को भी इस समस्या से जूझना पड़ता है। अगर किसी के घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी हो और उनका चलना, उठना और सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो गया हो तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें रेगुलर खाने से आप अपने घुटनों की ग्रीस को आसानी से बढ़ा सकती हैं। उम्र के साथ साथ और खान पान की अनदेखी की वजह से हमारे घुटने धीरे धीरे कमज़ोरी आने लगती है। कभी चलते चलते अचानक से घुटने जाम होने लगते हैं, कभी कभी चलते चलते घुटनों में से आवाज़ आने लगती है और हमें ऐसा लगता है जैसे घुटने आपस में टकराने लगे हैं। कभी कभी तो इसकी वजह से हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है और ज़्यादा चल पाना तक मुश्किल हो जाता है। तो आपकी बढ़ती उम्र में के साथ साथ ये जब समस्या बढ़ने लगती है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। हमारा पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा है और पूरे शरीर की हड्डियों के बीच कई जोड़ हैं। उन जोड़ों के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जो समय के साथ साथ कम होकर हमारे शरीर की परेशानी को बढ़ाता है। ऐसे ही घुटनों के बीच में भी लिक्विड होता है जो ग्रीस का काम करता है और हमारे घुटने के ठीक तरह से काम करे, यह उसकी जिम्मेदारी होती है। जब यह कम होने लगता है तो हमारे घुटनों में दिक्कत होने लगती है। ऐसे में उसको बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए उसका खास ध्यान रखना पड़ता है। केवल चार चीज़ों का सेवन कर अगर आप नियमित रूप से कर लेंगे तो आपके घुटनों की ग्रीस वापस से ठीक हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं चीज़ों के बारे में, लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि आखिर घुटनों की ग्रीस कम होने के असली कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से आपके घुटनों के बीच का जो ग्रीस होता है वो कम होता है। सबसे पहले कारण जो है वो होता है रात को जागने की आदत, अधिक चिंता करना, गिरने से चोट लगना, अधिक वजन का होना, कब्ज रहना, खाना जल्दी जल्दी खाने की आदत, फास्ट फूड का अधिक सेवन करना, तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना, कम मात्रा में पानी पीना या खड़े होकर पानी पीना, बॉडी में कैल्शियम की कमी, ये सभी कारण होते हैं। जो सबसे पहले आपको इंक्लूड करना है आपके रोजाना की डाइट में वो है अखरोट। घुटनों की ग्रीस बढ़ाने के लिए अखरोट काफ़ी फायदेमंद होता है। आप हर रोज़ दो अखरोट का सेवन ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से घुटनों का ग्रीस बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अखरोट में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई, B6, कैल्शियम और मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है। अगर आप रोज़ 2 से 3 अखरोट खाने की आदत डाल लेते हैं और उसका लगातार सेवन करते हैं तो आपके घुटनों की समस्या तो हल हो ही जाएगी, साथ ही आपकी बढ़ती उम्र में भी याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी। यह एक प्रकार का फैट है जो सूजन को कम करने में भी हेल्प करता है। जो सेकेंड सब्सटेंट है जो आपको लेना है वो है हर सिंगार के पत्ते। हर सिंगार, जिसे पारिजात और नाइजेस्मिन भी कहते हैं, इसके फूल, पत्ते और छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसके पौधे आपको अपने घर के आसपास भी देखने को मिल जाएंगे। इस पेड़ के पत्ते जोड़ों के दर्द को दूर करने और घुटनों की ग्रीस बढ़ाने में मददगार होते हैं। इसके पत्तों में टैनिक एसिड, मेथिल सिलसिलेट और ग्लूकोसाइड होता है। ये द्रव औषधीय गुणों से भरपूर है। घुटनों की ग्रीस बढ़ाने के लिए हर सिंगार के 3 पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को एक बड़े गिलास पानी में मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। जब पानी आधा से भी आधा रह जाए तब इसे छानकर हल्का ठंडा करके पिए इस काढ़े का सेवन। नेक्स्ट है पनीर। पनीर, अगर आप 100 ग्राम कच्चे पनीर का सेवन करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप यह 1 महीने तक लगातार करेंगे तो इस समस्या का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट जो है और लास्ट है वो है नारियल पानी। खाली पेट नारियल का पानी पीने से भी घुटनों में लचीलापन आता है। 1 महीना इस उपाय को करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ज़रूरी विटामिन और मिनरल के अलावा यह मैग्नीज जैसे तत्वों से भरपूर है। सूखने के दौरान इसमें नेचुरल ऑयल बनने लगता है जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। अगर आपके घुटनों में भी ग्रीस की प्रॉब्लम है और चलते समय आपको दर्द होता है तो आज से ही इन चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो फ्रेंड, आज का ये वीडियो आपको सभी को पसंद आया होगा आशा करती हूँ, और अगर अच्छा लगा है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। इसके बाद में मैं मिलूँगी किसी एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।